बात करते हैं हिसार की, जहां हिसार में मॉनसून की बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। शनिवार को हिसार में चमचम हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 दिनों से हरियाणा में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। 1 जून से अब तक हरियाणा में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है। एक बार फिर सक्रिय हुई मॉनसून से सामान्य बारिश होने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल किंचन ने बताया कि भारत मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से लेकर अब तक मॉनसून की बारिश हरियाणा में सामान्य से 3% कम दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से एक बार भी फिर प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जो मॉनसून के सक्रिय होने का संकेत है। मदन लाल कीचड़ ने बताया कि दक्षिण हरियाणा में कम दबाव क्षेत्र होने के कारण अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मदन लाल कीचड़ ने कहा कि किसानों को सलाह है कि फसलों में पानी खड़ा ना होने दें। अभी जो मानसून की बारिश हुई थी 1 जून से लेके, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग मानसून की बारिश 1 जून से आंकड़े मानता है, तो 1 जून से लेकर अब तक जो बारिश हुई है वो हरियाणा में लगभग 30% अब तक सामान्य से कम दर्ज हुई है, और आगे पिछले 3 दिनों से लगातार कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्योंकि मानसून दोबारा सक्रिय हुआ है। और अभी आगे कम दबाव का क्षेत्र जो राजस्थान के और हरियाणा की मान दक्षिण हरियाणा के पास बना हुआ है, और उसके प्रभाव से अगले 2 दिनों में, आज और वह अगले 2 दिनों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, और जिससे उम्मीद है कि वो जो कमी रही है अब तक सामान्य से वो शायद संभावित है कि वो पूरी हो जाए। जी सर, क्या कहीं अभी तक भारी बारिश की भी संभावना कुछ लग रही है, बन रही है? नहीं, जो कम दबाव का क्षेत्र है वो राजस्थान के पास बना हुआ है, यदि वो हरियाणा की तरफ बढ़ता है तो उससे बारिश के आसार अच्छे बन सकते हैं, और हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी 2 दिनों में बारिश के आसार हैं, कहीं हल्की और कहीं मध्यम। भारी बारिश का अभी तक कोई अंदेशा नहीं लग रहा है, कि एक मानसून ट्रफ भी हरियाणा के पास से गुजरी जिससे बारिश के आसार बढ़ रहे हैं, कि अभी पीछे जो कमी रही है वो शायद पूरी हो जाए। सर, इस बारिश के बाद फसलों में मुख्यतः अगर कपास की बात करें तो किस तरह के रोग आने की संभावना है, और किस तरह की जो एहतियात है वो किसानों को बरतनी चाहिए? नहीं, अपने जो यहाँ जो क्षेत्र में है हरियाणा में, तो अभी धान का क्षेत्र है उत्तरी हरियाणा और पश्चिम हरियाणा में, और बाकी अपने आज की तारीख में नरमा कपास और ग्वार बाजरा ये मुख्यतः फसलें मानी जाती हैं। तो धान के लिए तो बारिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, और ग्वार बाजरा इनके लिए आवश्यकता है बारिश की। नरमा कपास में भी पिछले काफ़ी दिनों से बारिश ना होने के कारण जो हिसार और फतेहाबाद आदमपुर सिरसा जो एरिया है इसमें बारिश कम हुई है, तो इसमें बारिश होगी तो वो फायदेमंद रहेगी। परंतु किसानों को एक हिदायत दी जाती है कि जो नरमा कपास में मुख्यतः और ये बाजरा में पानी ज़्यादा खड़ा ना रहने दें, यदि पानी खड़ा रहेगा तो कीट और रोग ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि बादलवायु और नमी अधिकता के कारण तो कीट और रोग के ज़्यादा संदेशा बनते हैं, तो उसमें नरमा कपास का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों इसलिए जल निकासी का प्रबंध करें, और 2-3 दिनों में कोई फसलों को सिंचाई ना करें और स्प्रे वगैरह ना करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।